पिटाई किया है बाप बदमाश मारने के बाद फैसला मैं ना करूंगी। इस बीच में आप दलाल क्यों बनते हैं दुल्हीन? हम दलाल नहीं बने छी, हम बढ़िया बात कह ले लूं। जो बढ़िया बात हम कह ले लूं आ हमरा, अरे दस गो बात कह दलिए हमरा ओसे कोनो तकलीफ नहीं है। अगर हमरा बात कहा नहीं मानबे तो हम पीछा पछताएबे। अमरजीत सिंह ने मेरा बेटे को पिटाई किया है, बहुत बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। अच्छा काम, हां अच्छा काम किया है। इस बीच में दलाली पे कारी मत कीजिए सिमरी बख्तियारपुर की तरह, समझ गए ना? हमें दलाली करी छे। एगो बात सुन लियो, अगर शायद कहे यहां के याद है, बाप रे बाप, हमरा कैसे दलाली करे छे। मेरा बेटा को मारने के मारने वाला को 2.5 किलो का कलेजा चाहिए मामूजी, समझ गए? आहा कह छिए 2.5 किलो के, और वहां 5 किलो के कलेजा छे अमरजीत के, खा के छोड़ा के तोड़ दिल। कदापि मुझे विश्वास नहीं होगा कि आप अच्छा बात बोलने के लिए, अच्छे शुभ समाचार सुनाने के लिए आए हैं। आहा के केना विश्वास दे पड़े, समझ गए ना मामूजी? जाइए जाइए जाइए, मेरे दिमाग को मत खराब। अरे हम तो जाइए कर, मैं कहती हूं जाइए जाइए यहां से, जाइए यहां से। अगर आते पर बाजार की पर मुंह कह लाए छतर बाकी अब ना कन्हे पर चढ़ दियो, लोग बढ़िया कहता छरपल बोले छे छरपल, हमें देह बात ले घुले छे चरल चालो जे लागे छे चाल चाल तो केहन बढ़िया छे, चाल की खराब छे। दुल्हीन अगर किसी के पास किसी को दुश्मनी रहता है तो पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और फिर दुश्मनी साथ करता है। आपके बारे में मामू जी कौन नहीं जानता, जिस रोज आप चुगली लगाते हैं उस रोज आपका पेट का दरा हजम नहीं होता है। यही चुगली के कारण मेरे देवर ने आपके 151 बेटा को पंजाब उखाड़ करके मां गंगा हरिद्वार में फेंक दिया था। एक पुत्र बच गया है, वो अभी विकलांग है, उसके लगा करके सबका ये तब तो विश्वास करूंगी, नहीं तो नहीं कर सकती हूँ विश्वास। सब का वह नंगरा पर टिक्का छ, इसका मतलब है चुगली लगाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, हमें कैसे चुगली लगा? हाँ बाप, सोना सन के सुंदर पोता का मार के तोड़ दिल के छोरा मोरे ले जा रहा है, हमारा नंगरा डेढ़ टन के बच के आकाश में दीपो और नष्ट है। अगर हम अलग झूठ बोले लिया ले चाहे चुगली करे लिया ले छोरा का मार के अमरजीत नहीं भागल आवे हेते महबा किला तो उजे हमर नंगरा अभी चल छे नाश भए। ओ मार लकै ये बाप छौरा के नष्ट खराब कए दल के मारते मारते छौरा के हालत देखल नहीं दे के बाप रे बाप। मामूजी हां मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आपने अपने बेटा का कसम खा ले, बेटा बेटा लगा करके कसम खाए हैं, मुझे अपूर्ण विश्वास हो गई है कि सही में पिटाई किया है अमरजीत कुमार ने इंदल कुमार। छौरा के हालत देख के हमर दिमाग में काम करे लागले, तब हम दरबार देखे थे छोरा के तत्ते के बाजार मार लेके है, छोरा के 3 गो हड्डी करे के दे लागल ये सिमरी बख्तियारपुर रंजना भगत लग वहां लागल ये देख लेके सुन लेके अल्ट्रासाउंड कल के एक्सरे कल के सब जांच प्रकार के कल के यहां इसका इलाज नहीं होगा, इसको हड्डी वाले डॉक्टर के पास ले जाओ। हो बाप छोरा के गाड़ी घोड़ा नहीं मिल लो, कन्हा पर टैंक के सहरसा कलम डॉक्टर लंग लागल वो जंगल सब चेक कुक कल के कल के हां 3 गो हड्डी करे के कल ये इसको बैंडेज कर दीजिए, कल का भी बैंडेज नहीं होगा, इसको कम से कम 8 रोज इसको दवा खिलाइए, जब इसका बदन सटकेगा उसके बाद बैंडेज होगा। छोरा की हालत देख कर मर दिमाग नहीं काम कर रहा। मामूजी ऐसा काम कौन किया है, मैं इसका नाम जानने के लिए चाहती हूँ। ई काम के किल के है, कौन किया है ई काम? जान बुझ कर रुदल सिंह कल के कैसे किया है? उज्जैन भुज के दोनों का पढ़े ले भेजल के, और वो अमरजीत का सिखा पढ़ा दिल के जरे तुम यहाँ से जाओ, जब घर से अलग रहेगा उसको मार पीट करके बर्बाद कर देना ताकि तुम अकेला बचोगे, पूरे मोहबा किला राज तुम्हारे नाम हो जाएगा। आँ का बुझाइए ले नहीं आवे तो हमें की कहा, कोन खराब बात छी मामूजी? हाँ ये तो बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है, सोचने वाली बात है मामू, आपने अच्छा बात बोले हैं। एक रोज बाबू रुदल सिंह ने जंगल से शिकार खेल करके आया दरबार में मुझे बुलाया और मुझे कहने लगा कि भाभी अगर भाई साहब का चौथापन गुजर रहा है, ये चौथापन अगर गुजर जाएगा तो ये बोहिकला राज को कौन चलाएगा? मैंने बोली कि आप चला सकते हैं, दुनिया में कौन चलाएगा आप बोहिकला राज को? दो भयारी है, एक भयारी के जाने के बाद दूसरा भयारी मालिक बन जाते हैं खुद ब खुद।
लेकिन हृदय सिंह यह बात नहीं बोल करके वह कहा कि भाभी मेरे मन में यही विचार है कि दोनों बच्चा को कर्मज में पढ़ा दिया जाए, पढ़ा लिखा करके होशियार हो जाएगा तो वही बच्चा राज को चलाएगा। मैंने सोची दोनों बच्चा को अच्छी तरीका अच्छी वातावरण लेकर के रुद्र सिंह ने यह बात लेकर के आया है सही में बेटा को पढ़ाने। ये तो मामू जी ये तो बच्चा को खत्म करने के लिए भेजाया था। जैन बुझ गई कदम उठेल के जैन बुझ के कहुना का छोरा का नाश कर दिए अस्कर हमार बेटा बच्चा। हे ये भारी ये जुलूम चलतई रुदाला ये बाबू ये बातों की बरसों पुरानी वो बात बीत गई लेकिन सोना रानी वो बात को अभी तक नहीं भूली है। बात क्या है मामूजी की बात? उस टाइम अमरजीत सिंह पैदा नहीं लिया था अपनी माँ के कोख से। अच्छा पुरन की सिर्फ मेरा बात मेरा बेटा इंदल कुमार एक सिंगल पीस एक बेटा था मोबी किला में। अच्छा एक रोज की बात है बाबू रुदल सिंह दरबार से आए दरबार में कुछ ना कुछ दोनों मेरे स्वामीनाथ और बाबू रुदल सिंह विचार करके बाबू रुदल सिंह को एक हफ्ता के लिए गादी दिया मेरे स्वामीनाथ ने। हाँ ठीक ठीक ही बात के हमरा फुल ख्याल छ वजन त हम हो रही ख्याल है ना खूब ख्याल छ मामूजी। उस टाइम में मेरा बेटा बहुत नादान था मामूजी मेरा बेटा बहुत नन्हा सा बच्चा था। हाँ छोरा 5 बरस के रहे मामू जी क्या बताऊंगी। रुदल सिंह को देख करके मेरे बेटे गादी पर मेरा बेटा को समझ में नहीं आया कि या मेरे पिताजी दिए हैं या खुद ब खुद अपने बैठ गया। अच्छा बच्चा था नादान था ना समझ था। उस टाइम में मेरे स्वामीनाथ एक हफ्ता के लिए गादी दिया था बाबू रुदल सिंह। रुदल सिंह या राजनीति का हाल जान जाएगा राजनीति का सारा वातावरण जान जाएगा तो हो सकता है आने वाले समय में बाबू रुदल सिंह भी रात को चला सकता है। सिखवाए रहे बाबू रुदल सिंह गादी पर बैठे हुए थे मेरे स्वामीनाथ नीचे में बैठे हुए थे देवा पंडित भी नीचे में बैठे हुए थे और आपको गादी के ऊपर बैठने के लिए व्यवस्था दिया गया था। हाँ वही में हमरा को ना कमी नहीं हमार मान प्रतिष्ठा बहुत कैलक मामूजी। उस टाइम में मेरा बेटा आया और सबको प्रणाम किया और बाबू रुदल सिंह को प्रणाम नहीं किया था। ये बात ठीक है कहे मेरा बेटा को रुदल सिंह ने मारते बिल्ली को रसे सर्दी गर्मी उतार दिया और सीधा सीधी कह करके चैलेंज ठोक करके चला गया कि अगर इंदर सिंह का जोड़ा मैं नहीं लगाऊं तो आज से मोबी किला का दाना खाना हराम पानी पीने का तो सॉरी दतमन करने को कह दी। जोड़ा तो मामू जी वो लगा लिया है अब यही सोचता है कि इंदर सिंह को मार करके जो भी राज बात है टोटल अमरजीत सिंह के नाम से लिख दिया जाएगा। बस यहाँ बातें देख लिए ने यहाँ बातें इसलिए विचार करके अमरजीत सिंह को इंदल सिंह को दोनों अपने बेटा के साथ करवा जो भेजा है पढ़ने के लिए। ठीक ठीक लेकिन मामू जी मैं भी नैनागर की बेटी हूँ आप सुन लीजिए अगर मेरा बेटा को थोड़ा सा भी खरोच आ गया होगा तो मोहबी किला में पेट्रोल छीट करके आग लगा दूंगी मैं। अन्याय के अन्याय क्या दिल की छोरा एक रति के जो बताओ बच्चा का मार कर दूर काम क्या होगा मामू जी आगे बताइए। अच्छा हे न सुनियो ए खटखट कर हमरा घर में अपने झगड़ा भए रहल छै तू खटखट खटखट करे इने सुनियो अगर रुदल सिंह के मन में एहन बात छै तो एक काम करू ने अरे ओकर मन के बात मने में रह जते ओसे पहले जे छै ने अपना हाथ के ऊपर कर लेने छै बुझली
क्या करना होगा अब? कहे तो अमरजीत सिंह इंदर सिंह को पिटाई करके मोहबा किला आ रहा है, भाग करके आ रहा है। ए बाप आ भाई ये बोला है तब वह मुश्किल छे बुझियो लाह आय पार में हेतु ते लेट ये वही पार जेते तो वही पर चढ़ के चले जो तुरंत बिला मार नहीं। इसका मतलब कि मेरे बेटा को पिटाई करके आ रहा है। बाप रे बाप बड मार मार लगे बुझ। एक काम करूं ना? क्या करूंगी मैं? लेकिन उसके लिए तुमको थोड़ा इज्जत से खिलवाड़ करना पड़ेगा। हाँ मतलब दुल्हन अगर तुम ऐसा पॉइंट नहीं रचोगे तो वह दुश्मन बच जाएगा, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों फिर इंदर सिंह को मार करके बर्बाद कर देगा। करना क्या होगा मामू जी? करना यह है कि जैसे ही अमरजीत सिंह महबा किला दरबार आएंगे और सबसे पहले तुम्हारे पास जाएंगे कि माँ मुझे भोजन दो, मुझे भूख लगा, और तुम उसे बोलना कि बेटा अरे छत्री का धर्म होता है कि पहले कहीं से आता है तो स्नान करता है और उसके बाद भोजन करता है, और अमरजीत के बदन में जितना वस्त्र होगा सब वस्त्र खुलवा लेना और बस उसको स्नान करने के लिए भेज देना, और वह वस्त्र को लेकर के तुम अपने पलंग पर फेंक देना, और जैसे ही अमरजीत स्नान करने के लिए चले जाए उस बीच में तुम रुदल सिंह को बुला लेना, तुम्हारा जो प्यारा देवर है रुदल सिंह उसको बुला लेना, और उसको बुलाने के बाद सबसे पहले रुदल सिंह से तुम सत करा लेना, और सत कराने के बाद उसको बोलना है कि देवर जी आपका बेटा ने स्कूल से आया और हमारे पलंग पर लात दे दिया, और वह तो शत के बंधन में बंधा रहेगा, और उसे बोलना कि देवर जी आप ही इसी वक्त आप जाइए अमरजीत को मार करके उसका कौर कलेजी ला करके मेरे हवाले करो ताकि मैं उसके कौर कलेजी पर बैठ करके स्नान करूंगी, तब हमारे आत्मा को शांति मिलेगी। इतने ही गोते बात तेज। सही बात है मामू जी। राम नाम सत्य भाई। जो आगे किया, जो आगे करता है उसके पीछे से करने में कोई दिक्कत नहीं। अरे बापी कल जो आगे मेरे बेटा को पिटाई किया है पाछे उसे खत्म करने के लिए कोई माया की जाल नहीं। कोनो दिक्कत नहीं मामू जी। वो आ रहा है पिटाई करके। बाप रे। और आप भी सोच लीजिए मामू जी, सोना रानी वो जहरीली नागिन है, वक्त फरने पर अपने बाप को भी डस लेती है, बाप को भी नहीं छोड़ती है। बस सही छे, जे जेहन करते ओकरा साथ वहन करे, हमरा कोन दिक्कत है। और आपके सामने मैंने कसम खाती हूँ, अगर अमरजीत सिंह को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा दी, फांसी नहीं रुदल सिंह के हाथ से करवा दी, तो आज से मोबी किला का दाना खाना हराम, पानी पीने का सोनी तत्पर कर दो का हड्डी। शाबाश शाबाश, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। जाइए। ठीक है, या तो कहना हमरा जो देख लेते तो फिर पर ले भाई जेते। हेरे तब महाराजा दया बक किला लौट जाई माही लगर महबा से, तब महाराजा दया बक किला चले माही लगर माता सुन ले दुर्गा मां दुर्गा है तू बसी वाली। दरबार और दुर्दल सिंह के दरबार मैंने जाने से पहले अपनी माया की जाल, ऐसी माया की जाल बिछाऊंगी कि रुदल सिंह खुद ब खुद मेरी माया की जाल में फंस जाएगा। जब वो मेरी माया के जाल में फंस जाएगा तो दोनों बाबू को ऐसी पिटाई करूंगी कि सदा के लिए वो हंसता ही रह जाएगा। चाले सोना सिंहासन पर जाए जहां बैठल ये मर्द बन हो, चल सोना महल चल।